नंबर गाइस। गाइस मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छी वो दाल मखनी लगी थी, और उसका टेक्सचर बहुत ज्यादा अच्छा है और मसाले भी जो कर जैसे ही है, और काफी अच्छी चीज है, अरेंज भी बहुत अच्छा किया हुआ है। आप भीड़ के अंदाजा लगा सकते हो ग्रेट कितना अच्छा हो सकता है। थैंक यू। खाना बहुत अच्छा है, हम लोकल हैं और कभी कभी हम इधर जरूर आते हैं। अच्छा खाना है, 99 रुपीस में काफी अफोर्डेबल है, चीप एंड बेस्ट है। 99 में वैसे तो कुछ आता भी नहीं है, अगर दो बटर नान भी लें तो वही आते हैं, लेकिन इधर तो पूरा बफे लगा हुआ है, जितना मर्जी खाइए कोई लिमिट नहीं है। और साथ में गुलाब जामुन भी मिलते हैं एंड में स्वीट में, और हर चीज अच्छी है, प्रिपरेशन अच्छी है, मिनरल वाटर है, अच्छा लगा, हम तो आते रहते हैं। हेलो नमस्कार सलाम सत श्री अकाल की हाल चाल, दिस इज इरवान पत्रा, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इरवान पत्रा पर। आज हम आपको खिलाने लेकर आए हैं 99 रुपीस में अनलिमिटेड फूड बफे जलंधर सिटी, सिर्फ अपने स्पोर्ट्स मार्केट के लिए नहीं फेमस, ये अपने फूड के लिए भी बहुत फेमस। आज हम आपको 99 रुपीस में अनलिमिटेड फूड लाएंगे। चलिए हमारे साथ चलते हैं, ज्यादा देर नहीं कर सकते क्योंकि हमें भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, हम डिनर करने आए हैं। चलो चलते हैं। सबसे पहले हम टिकट काउंटर से टिकट लेंगे। ये जो पर्ची है फूड की अनलिमिटेड फूड की, और ये वाली पर्ची जो है वो है स्वीट डिश की। स्वीट डिश हमें लास्ट मिलेगी, रश बहुत ज्यादा है तो थोड़ी वेट करनी पड़ेगी, पर कर लेंगे। तो ये सारा सैलड है, सैलड में अपने पास अनियन है, ग्रीन चिली है, नींबू है, पुदीने वाली सॉस है, टोमेटो वाली सॉस है, रायता है, और मिक्स सैलड है। मिक्स सैलड में आपके पास कैरेट है, मूली है, खीरा, तो मतलब काफी अच्छी तरीके से सैलड भी है। सैलड में हम प्रेफर करेंगे जी, ये मिक्स सैलड करेंगे, प्याज नहीं खाएंगे रात को, प्याज खाओगे स्मेली पे। थोड़ा सा लेंगे सैलड, नहीं और रायता भी, आप देखो काफी अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, पूरी पूरी वगैरह और भी ऊपर धनिया वगैरह भी ऊपर डाल रखा है, तो मिक्स रियली लुकिंग गुड। और जीरा वगैरह भी है बीच में, एक हम लेंगे ग्रीन चिली और विद लिमन। सो इसमें खाना तो है, इसके अलावा आपके पास स्नैक्स में हमारे पास मंचूरियन भी है, और काफी इसकी थिक ग्रेवी है, आप देखो एवन मंचूरियन इज लुकिंग गुड। पहले आप चाहे स्नैक्स डाल लो, स्नैक्स खाने के बाद आप बाद में डिनर के लिए भी मेन कोर्स की तरफ जा सकते हो। तो पहले हम स्नैक्स से शुरुआत करेंगे। और ये मंचूरियन की ग्रेवी विंटर्स के लिए काफी बढ़िया भी रहेगी, बहुत इसमें अदरक लहसुन वगैरह सब कुछ होता है। आफ्टरवर्ड्स हेयर नूडल्स, और चौमिन में भी वेजेस वगैरह अच्छे से डाल रखे हैं। अभी फिलहाल मैंने इतना ही डाला है क्योंकि पहले मैं स्नैक्स खाऊंगा, फिर हम आएंगे मेन कोर्स की तरफ, तब आपको दिखाएंगे मेन कोर्स। रिव्यू तो देने लगे हैं पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, कंफ्यूज इसलिए हूँ कि मैं मुझे समझ नहीं आ रही मंचूरियन नूडल्स के साथ दही क्यों ले लिया और सैलड क्यों ले लिया। खैर कोई बात नहीं, पहले हम ट्राई करेंगे नूडल्स। टेस्ट एक साइड पे है, 99 रुपीज में इतना सारा खाना मिल रहा होगा, इतना बढ़िया अनलिमिटेड, यही बहुत डिफरेंट बात है। चलो टेस्ट करते हैं। यू वांट टू ट्राई मैन? भाई शर्मा रहा है थोड़ा सा, क्राउड बहुत ज्यादा है इसलिए। चौमिन इज रियली गुड एंड लिटिल बिट स्पाइसी टू, आप इसके साथ टोमेटो सॉस भी प्रेफर कर सकते हो, और बिना टोमेटो सॉस के आप खा सकते हो अगर आपको स्पाइसी खाना खाना पसंद है। ठीक है, अब हम जाएंगे मंचूरियन की तरफ। जाएंगे क्या साथ में ही? इसके लिए मैं स्पून यूज कर सकता था, बट आई डोंट नो मैंने फोक क्यों लिया, बट इट्स ऑल राइट। खाना फ्रेश तो है ही, टेस्टी तो है ही, उसके साथ साथ गर्म भी है, मतलब ये नहीं कि ठंडा खाना आप डाल रहे हो और जल्दी आ रहा है, वैसे ही नहीं, खाना गर्म भी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और अब बारी है मंचूरियन की, मंचूरियन इज टू गुड, अब
को मेन कोर्स के मेन कोर्स यहाँ पर आने के बाद मेन कोर्स में अपने पास यहाँ पे तीन वेराइटीज हैं। सबसे पहले है जी करी पकौड़ा, आप देख सकते हो करी पकौड़ा के बाद है कढ़ाई पनीर, और पनीर के भी क्यूब्स में पूरे भरे हुए हैं, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा ऊपर जस्ट डाल रखा है। एंड द ग्रेवी इज टू थिक, तो ये भी है अपने पास। उसके बाद है जी दाल मखनी, ऊपर से सजाया उसको हट की शेप में, अभी हट नहीं रहेगा, हमने दाल उठा ली है। और ये है दाल मखनी। एट द एंड वी हैव पुलाव, बट इट्स नॉट एंड, इसके बाद अपने पास गुलाब जामुन भी है, वो लास्ट में मिलेगा। तो पुलाव भी आप देख सकते हो कि फुली बासमती राइस है बड़े वाले, और अब हम मेन कोर्स डालना शुरू करते हैं। तो स्नैक्स के बाद अब आई है जी मेन कोर्स की, और जब मैं इतने मेन कोर्स लेने लगा था तभी मैंने देखा कि नूडल्स भी रिफिल होके आ चुके हैं गरम गरम, तो खाना यहाँ पे लगा था आता रहेगा इसी तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जी कड़ी पकौड़ा, पंजाबियों की फेवरेट है जी कड़ी पकौड़ा, पंजाबियों की फेवरेट है और अपने फेवरेट कड़ी पकौड़ा। उसके बाद है अपने पास पनीर में कड़ाही पनीर, थिकनेस के बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ। तो आप देख सकते हो कढ़ाई पनीर में रेड चिल्लीज भी डाली हुई है, रेड चिल्लीज होती है कि टेस्ट थोड़ा और स्पाइसी हो जाए और बेटर भी हो जाए। तो लास्ट में अपने पास है जी दाल मखनी, बट मेरी जो ये है इसको मैं रिफिल करूँगा कर्ड खाने के बाद, तो फिर ही मैं दाल मखनी में इसमें डाल पाऊंगा। तो पहले थोड़ा सा पुलाव डालते हैं। तो अब हम वेट करेंगे गरम गरम चपातियों की, ठीक है? तो हम बैठ के वेट करते हैं गरम गरम चपातियाँ आएंगी। भैया कौन कौन सी रोटी है बनाना है? मिस्सी रोटी है सर अभी, और प्लेन रोटी है सर। तीन तरह की आपको ब्रेड मिलेगी, मिस्सी रोटी, मिस्सी रोटी बटर नान, प्लेन रोटी, बता दिया ठीक है। अपने पास एक रख दो आप मिस्सी रोटी और बटर नान रख दो एक, और सिंपल चपाती आप लेना। हाँ जी सर बिल्कुल। तो आप देख सकते हो कि खाना तो टेस्टी है ही है, उसके साथ स्टाफ भी कितना बढ़िया है। भैया आपका गुड नेम? माय नेम दिनेश प्रसाद सर। हम सब के फ्रॉम यूके, हम सब का ब्रदर फ्रॉम यूके उत्तराखंड। तो अब हम करेंगे टेस्ट मेन कोर्स को। तो पहले हम लेंगे बटर नान की फर्स्ट बाइट। बटर नान विद कढ़ाई पनीर, अ फुल बाइट। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा रीजनेबल, और विद एक जेन्युइन मसाले इसके साथ बिल्कुल सही टेस्ट, बिल्कुल सही रेट मिलेगा। जितनी बार मर्जी रिफिल करवाओ, जितनी बार मर्जी खाओ। अब हम ट्राई करेंगे मिस्सी रोटी। और आप देख सकते हो कि घी इसमें पूरी तरह से लगा हुआ है, बटर नान में भी और मिस्सी रोटी में भी। मिस्सी रोटी को हम पंजाबी ही वेजी के साथ जो है करी पकौड़ा उसके साथ टेस्ट करेंगे। पकौड़ा तो मैं नहीं लूंगा, चलो खड़ी के साथ करते हैं। पंजाबियों की फेवरेट। एक वो ना जो खटास वाला पन है कढ़ी में होता है, जो बढ़िया कढ़ी है ना उसकी निशानी है कि उसमें खटासपन होगा कढ़ी में, और वो इसमें है। ये बेस्ट कढ़ी की निशानी है और ये हर पंजाबी जानता है। दैट्स व्हाई इसको हम एक स्पून इस तरह से भी लेंगे। परफेक्ट पंजाबी कढ़ी। अब हम थोड़ा सा दो स्पाइसेस वेजीज के बाद अब हम ट्राई करेंगे बूंदिया रायता, जो मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट है। कोई भी सब्जी हो, कुछ भी हो, मुझे रायता चाहिए चाहिए। रायता भी बहुत सही है। और मुझे एक खास बात ना क्या लगी, जो स्पून का साइज है ना वो नॉर्मल स्पून से थोड़ा बड़ा है, तो ये इन्होंने बिल्कुल नहीं ये सोच रखी कि एक बार जो खा लेगा दोबारा रिफिल ना करवाए। पहली स्पून का साइज इतना बड़ा है कि आपको ज्यादा सब्जी आएगी और फिर आप दोबारा दोबारा खाओगे, तो मुझे ये बात इनकी बहुत सही लगी। एक काम रहेगा था हमने नींबू सैलेड के ऊपर जो है नहीं छोड़ा, तो उसके ना मजा आएगा नहीं।
हम फटाफट रायता खत्म करने क्योंकि मुझे इसमें जो दाल मखनी है ना जिसके साथ मुझे बासमती चावल खाने का मजा आएगा मुझे वो भी इसमें डालनी है। तो मैं फटाफट रायता खत्म करता हूँ उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो अब हमारी प्लेन रोटी भी आ चुकी है। तो माँ दाल राजमा पंजाबी कहते हैं, वैसे हम इसको कहते हैं काले माँ की दाल। भाई की फेवरेट लगती है ये भी। हाँ हमारे यहाँ पे दाल के भी नाम होते हैं। तो ये जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है इनका कड़ाही पनीर। हम इसको रिफिल करेंगे। तो हमारी है दाल मखनी के साथ बासमती चावल की। तो दाल को पहले अच्छे से डाल लेंगे, कम दाल डाले ना तो फिर बासमती राइस खाने का मजा नहीं आता। तो इसलिए दाल भी ज्यादा डालेंगे और चावल के अच्छे से इसको मिक्स करके उसके बाद बाइट लेंगे। जैसी दाल मखनी मुझे पसंद है ना वैसी ही दाल मखनी यहाँ पे है और चावल भी बासमती है और ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी। साथ में लेंगे ग्रीन चिली। अब हम नॉर्मल रोटी के साथ भी ट्राई करेंगे दाल को क्योंकि मुझे नॉर्मल रोटी ज्यादा पसंद है बजाय कि जो घी वाली रोटी होती है या मक्खन वाली रोटी होती है। मुझे नॉर्मल रोटी ज्यादा पसंद है और इसमें जो बेटर चीज लगती है वो है क्रिस्पीनेस। देखो आप इसकी क्रिस्पीनेस कितनी बढ़िया है ये देखिए। और हम इसके साथ ट्राई करेंगे दाल को। नॉर्मल चपाती के साथ दाल मखनी। हम इसे फटाफट खत्म कर ले खा ले। अगर दिल हुआ अगर भूख हुई रिफिल करवाने की तो आपको दिखाएंगे रिफिल करवाते हैं। मिलते हैं आपको खाने के बाद। तो अब हम फाइनली स्वीट देने लगे अपनी गुलाब जामुन। क्या करना है ये फिर से पंजाबियों की फेवरेट। तो गाइस ये था 99 रुपीज में अनलिमिटेड फूड। अगर जब भी आपका मन हो पेट खाली हो तो अच्छे से रिफिल करने यहाँ पे आना, आपको बार बार खाना मिलता रहेगा और बाद में लास्ट में आपको एक स्वीट डिश भी मिलेगी। अगर आप उसको रिफिल करवाना है तो आपको 50 रुपीज चार्ज होंगे। तो आई होप आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं फिर किसी नॉलेज ट्रैवल या फूड ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ अग्रह।